गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्प्रपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर नाम बपुए, तिनकी पद वंदन किए नाशत बिन अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु करे स्वीकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदव सबके पद कमल सदा जोरि जुगपान। सिया राम राधे श्याम सिया राधे श्याम। जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य, जय दिवादरायण चरण करमोहि जग धन्य। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, संत वैष्णव भक्त चरणार विंद की, श्री दासी श्याम भगवान की जय, बस्ती माता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सूत शौनकादिक ऋषियों की जय, समस्त संत वृंद भक्त वृंद चरणारविंद की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, ठाकुर श्री गोविंद देव जू महाराज की जय, जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत मंदाकिनी में हम सब प्रवेश करें उससे पूर्व दो मिनट के लिए स्तोत्र का गान करें और उसके बाद कथा गंगा में प्रवेश करें। ओम सुरभ्यै नमः। श्री गोविंद देवाष्टकम् दिव्याति दिव्यतडिदं वर्षोभमानं राधा मनोहर मुखस्मितमोदमानं गोपाल बाल ललना परिसेव्यमानं गोविंद देव मनिषं मनसा स्मरामि। परब्रह्म
विभेदुतन्त्रम् गोविन्ददेवं मनसा स्मरामि गणस्थम् श्रुतिसारसारम् गोगोपवृन्दा वनवर्मबालम् कंसादिदैत्यो धरणाप्रवृत्तम् गोविन्ददेवं मनसा स्मरामि हर्तुं प्रवृत्तम् नवनीतकुम्भम् प्रकोपात् भयभीतनेत्रम् मिथ्यापमिथ्या कथितं किशोरं गोविन्ददेवं मनसा स्मरामि कटाक्ष प्रमुदास्य नेत्रम् क्रीडा प्रकर्ष प्रणयाति दास्यम् कीलिक्रमाद्यौ हलचित्त जातम् गोविन्ददेवं मनसा स्मरामि गोप्यन्तरे मे श्रुतरा मनसा स्मरामि गोविन्ददेवं मनसा स्मरामि गोविन्ददेवं मनसा स्मरामि गोविन्ददेवं मनसा स्मरामि गोविन्ददेवाष्टकमद्वितीयम्
गंगाधरेण गहरम प्रणीतम यस्येवते भीष्ट फलम लभेत गोविंद देवस्य कृपा विशेषा इति गंगाधर पाठक विरचितम श्री गोविंद देव स्तोत्रम संपूर्णम श्री राधा गोविंद देव चरणार्पणमस्तु बोलिए श्री राधा मोहन लाल की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नारायण 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 भगवान के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ है उसका नाम है प्रद्युम्न यह कामदेव का ही अवतार है जब देवादिदेव महादेव ने कामदेव को भस्म किया रति ने प्रार्थना की है तो भगवान शिव शंकर ने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो इही हरण महामही भारा कृष्ण तनय हो इही पतितोरा वचन अन्यथा हो ही न मोरा श्री कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा प्रतीक्षा करने की बात कही ये प्रद्युम्न ही कामदेव उस समय एक असुर उसका नाम था शंबरासुर उसको पता चला कि मेरी मृत्यु तो रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र के द्वारा होगी माया करके द्वारिका से यह हरण करके ले आया समुद्र में इसने प्रद्युम्न को फेंक दिया है भगवान जैसे कि जीवन में भी ऐसी विडंबना हो सकती है तो इंसान की कौन कहेगा लेकिन यह सब लीलाएं भगवत इच्छा के अनुकूल ही हो रही है मनुष्य इंसान और भगवान में अंतर क्या है हम न चाहें तो भी हो जाएगा और भगवान चाहे तो ही होगा भगवत इच्छा है आप विचार करके देखें इस कथा की भूमिका पर यदि विचार करेंगे तो बड़ी विलक्षण भूमिका है आज यह कथा सफल कितनी हुई है इसको हम अगर अंक देना चाहें तो भगवान की कथा को हम क्या अंक दे सकते हैं यह तो भगवान की ही कथा है और भगवान की ही प्रधान यजमानी में है यह कथा तो हम मनुष्यों की सामर्थ्य नहीं है कि इस कथा का आकलन हम कर सकें यह तो धरती से ऊपर उठे हुए देवताओं ने प्रमाणित कर दिया जिस दिन कृष्ण जन्म हुआ उस दिन भी मंद मंद वर्षा हुई जिस दिन यहाँ पर भागवत जी का आगमन हुआ 19 तारीख उस दिन भी बौछार गिरी वर्षा हुई और भागवत का स्वागत तो देवताओं ने 19 तारीख को ही कर दिया था वो मानसून और उसके बाद में कृष्ण जन्म के दिन मंद मंद वर्षा फिर नित्य कहीं ना कहीं बौछार पड़ रही है और आज तो जब विश्राम भागवत का होने जा रहा है तो आकाश से देवताओं ने अमृत की वर्षा करके यह प्रमाणित कर दिया है कि जिसका यजमान स्वयं गोविंद देव हो वो कथा न्यून हो कैसे सकती है भगवान की कथा परिपूर्ण है इस कथा का आनंद तो देवताओं ने भी लिया है यह पहला संजोग है पहला संजोग हमारे जीवन का जब आकाश में बैठ करके इस कथा को किसी ने सुना हो धरती पर भी सुना हो देश में तो सुने और विदेश में सुने समझ में आवे लेकिन प्लेन में बैठ करके कथा को सुनना ये आश्चर्य की बात है हरि इच्छा भावी बलवाना प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका लेकिन प्रद्युम्न मरा नहीं छोटा सा बालक है गोद में 10 दिन का बालक है एक बड़े मछुआ ने इसको खा लिया बड़ी मछली उसने इसे खाया
मछुआरों ने जाल डाला कि बड़ा मछुआ पकड़ में आ गया, इसको लेकर के शंबरासुर के यहां पर ही आ गए। कहा कि महाराज ये तो आपको भेंट करने को हम लाए हैं, इतना बड़ा मछुआ पकड़ में आया है। शंबरासुर ने कहा दासी के पास भिजवाओ, लो इनाम लो, असरफियां लो, जाओ बड़ा सुंदर कटवाओ इसे। महाराज असुर और दुष्ट लोग होते हैं वो काटा काटी की बात ही करते हैं, हमारे यहां काटने जैसी चीज को भी काटा काटी नहीं बोलते, अमनिया बोलते हैं, बिदारना बोलते हैं, बदारना, काटने का शब्द हम प्रयोग नहीं करते। बोले भैया सेब बनार दो, बिनार दो, बनार दो, और संतों में तो भाषा होती है अमनिया कर दो भैया, भगवान के भोग लगना है अमनिया करो। काटा काटी के शब्द तो फिर असुर लोग बोला करते, काटो मारो, ए तो कहा जो काटो, रात को यही खाएंगे। और महाराज शंबरासुर की रसोई में एक मायावती रहती है, ये मायावती कामदेव की ही पत्नी है रति। आज मायावती बनकर के अपनी जीविका, अपना जीवनोपार्जन कर रही है, विपत्ति का समय निकाल रही है जैसे तैसे करके। इसने जैसे ही महाराज उसको राक्षसों की जेल में तो भैया काटा ही है, और जैसे ही उसमें से बालक निकला आश्चर्य हो गया, अरे अरे ये बालक इतना सुंदर बालक, मनुष्य का बालक इतना सुंदर नहीं हो सकता, ये कौन बालक है, चलो चलो शंबरासुर महाराज से पूछ लेती हूं। जाकर के शंबरासुर से पूछा, शंबरासुर मदिरा के नशे में था, कहा कि महाराज एक मछुआ की जेल में पेट में और एक बालक जिंदा निकल कर आया है, क्या करना है, इसको पता ही नहीं था ये वही बालक है जिसको मैंने फेंक दिया था। कहा अरे बालक आ गया तो पाल लो, जा पालो। शंबरासुर की मृत्यु जिससे होगी वो बालक शंबरासुर के राज्य में ही मायावती के निरीक्षण में संरक्षण में पालित हो रहा है, मृत्यु नाक के नीचे है और पता भी नहीं है। धीरे धीरे ये थोड़े बड़े हुए, नारद जी महाराज एक दिन आकर के इनको सूचित करते हैं, मायावती तू जान रही है ये कौन है। बोले कौन, बोले खुद को पहचानती है, तू कामदेव की पत्नी रति है। बोले मैं तो स्वयं को जानती हूं, लेकिन ये बालक ये कौन। बोले ये कामदेव, कामदेव ही है। बोले वो तो श्री कृष्ण के पुत्र होने वाले थे, ये मछली के पेट से कहां से पैदा हो गए। तब बताया इसको फेंक दिया था शंबरासुर ने, ये ऐसे आ गए। अब तो मायावती इसका लालन पालन कैसे करे, जैसे कोई पति की पति की सेवा करे। और शंबरासुर की राज्य में जब प्रद्युम्न थोड़े बड़े हुए तो इनको ऐसा आभास हुआ कि ये हमारी सेवा जो करने वाली है ये तो ऐसे करे जैसे पत्नी सेवा करे, जबकि हम तो छोटे हैं। तब प्रद्युम्न ने पूछ लिया और मायावती ने सारी बात बताई। अब तो महाराज प्रद्युम्न क्रोध में आकर के शंबरासुर को मारने चला, अरे अरे ये दुष्ट अभी तक जिंदा है, जिसने मेरे मैया बाप से मुझे अलग कर दिया, आज उसको समाप्त कर दूंगा। मायावती ने कहा ऐसे नहीं मार पाओगे नाथ, फिर ये मायावी है, मैं आपको एक विद्या दे रही हूं महामाया विद्या, ये प्राप्त करके अब आप जाओ। महामाया विद्या प्राप्त करी मायावती से और शंबरासुर को जाके ललकारा, अरे अरे निकल करके शंबरासुर आया, कौन। बोले तेरा काल तेरे सामने खड़ा, अरे मेरे यहां पर पलने वाला आज मुझको ललकारता है। महाराज युद्ध हुआ है बड़ा भयंकर, और मायावती से महामाया विद्या प्राप्त की हुई प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी, बोली रुक्मणी नंदन भगवान की। और महाराज उसके बाद में मायावती को लेकर के आए द्वारिका में, जैसे ही प्रवेश किया रुक्मणी जी ने देखा तो देख करके छाती से दुग्ध गिरने लगा, आज मेरा पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। उसी समय महाराज देवर्षि नारद आ गए, नारायण नारायण नारायण, माता जी प्रणाम, अरे अरे गुरु जी आप पधारे, अरे जिसको देख करके तुम्हारे मन में यह भाव हो रहा है ये कोई और नहीं तुम्हारा ही पुत्र है, अरे मेरा पुत्र, हाँ हाँ, और साथ में गया था तब अकेला था, अब ब्याज समेत आया है, लुगाई भी साथ लेकर आया है। बड़े गदगद हो गए, भगवान श्री कृष्ण आ गए, बलभद्र बलराम आ गए, सबको प्रणाम इसने किया है, परिचय मिल गया। अब तो महाराज छाती लगाया, रुक्मणी आंखिन के आंसू से रो बहे, प्रेम के आंसू बहे। आंसू तीन प्रकार के होते,
एक आंसू यहां से बहता है, एक आंसू यहां से बहता है, एक आंसू बीच में से बहता है, एक आंसू आंख में आके सूख जाता है। लोचन जल रहे लोचन कोना, लोचन जल रहे लोचन कोना, लोचन जल रहे लोचन कोना, लोचन जल रहे लोचन कोना। और कोई तो सूख जाता है आंखों में, जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम कृपण कर सोना, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम कृपण कर सोना, कृपण कर सोना, कृपण कर सोना। आंसू प्रेम के होते हैं, एक विरह के होते हैं, खुशी में भी छलकते हैं। महाराज देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं, बोले रुक्मणी कुमार की, रुक्मणी नंदन भगवान की। और उसके बाद महाराज बोले द्वारिकाधीश की। उसके पश्चात में भगवान के राज्य में एक राजा रहता था, इसका नाम था सत्राजित। ये राजा, इसने सूर्य की आराधना करी और सूर्य की आराधना करके सूर्य नारायण से एक मणि प्राप्त करी जो 8 भार सोना रोज पैदा करती थी। 8 भार सोना बहुत होता है, रोज पैदा करती। महाराज सत्राजित द्वारिकाधीश की सभा में आते हैं, लोग खबर देते हैं, महाराज आपकी सभा में सूर्य नारायण आ रहे हैं। कोई कहता है चंद्रमा आ रहे हैं, भगवान ने जो देखा, अरे भैया ये सूर्य नारायण चंद्र नारायण नहीं, ये तो अपना सत्राजित है। आहा हा, क्या प्रकाश हो रहा है चमकता हुआ। सारी बात पता लगी, भगवान ने कहा भैया ये मणि तो राजकोष में रहे तो सबका भला होगा, और तुम्हारे पास रहेगी तो केवल तुम्हारी स्वार्थ की पूर्ति करेगी। सत्राजित ने कहा वाह, मेहनत मैंने करी, तपस्या मैंने करी, मणि आपके राजकोष में दे दूं, ये असंभव है। भगवान ने कहा हमने कोई जिद थोड़ी करी, दो दो, मत दो मत दो। सत्राजित चला, सत्राजित के मन में आया कि कृष्ण की नजर इस पर पड़ गई है, न जाने कब बलपूर्वक ये छीन ले हमसे। तो सत्राजित ने वही मणि अपने भाई प्रसेन को दी और कहा इस मणि को लेकर चले जाओ, इसकी रक्षा करना। प्रसेन घोड़े पर बैठ करके जाता है, जंगल में एक सिंह आक्रमण कर देता है जो अश्व को भी मार देता है और प्रसेन को भी मार देता है, और मणि मुंह में दाब करके चल पड़ता है। आगे रीक्षराज जामान मिल जाते हैं, उन्होंने सिंह को मारा है और मणि लेकर के वो भी चल दी। जब कोई समाचार न मिला अपने भाई प्रसेन का, तो सत्राजित ने मन में विचार किया, लगता है मेरी गुप्त बात यह द्वारिकाधीश को पता लग गई है और उन्होंने मेरे भाई को समाप्त कर दिया है। मन में संदेह किसी के पैदा हो जाए, दुनिया में हर चीज का निवारण हो सकता है, लेकिन संदेह अगर पाल लिया जाए तो उसका निवारण नहीं होगा जल्दी। इसने अपनी पत्नी से कहा, भगवान मैं तुझको कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मन में सोचता हूं कि तू अपने तक सीमित रखे तब तक तो ठीक है, कहीं बाहर पहुंच गई तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बात संदेह की है केवल। अरे स्वामी आप अगर कह दोगे तो मेरी परछाई को पता ना चले, औरों की तो क्या कही है, बताओ आप दुखी क्यों हो। बोली मुझे ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश ने तुम्हारे देवर को मार दिया है, मणि ले ली। हाँ अब तो महाराज सत्राजित बाहर निकल के गया। सत्राजित की पत्नी अपनी पड़ोसिन से कहती है, बहन तू किसी से न कहना, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूं। बोले क्या? बोले मेरे देवर को तो द्वारिकाधीश ने मार दिया है। उसको संदेह था, इसने विश्वास पूर्वक कह दिया। सहेली बोलती है मैं क्यों कहने लगी किसी से भला ये बात, लेकिन वो पड़ोसी दूसरी पड़ोसिन से कहती है, अरे अरे सत्राजित को महाराज, सत्राजित के भाई के लिए तो द्वारिकाधीश ने मार दिया, मणि चुरा ली। ये खबर धीरे धीरे फैलते फैलते और महाराज उद्धव के पास आ गई। उद्धव ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से कहा, भगवान पर झूठा कलंक लग गया मणि चुराने का। महाराज एक बार की घटना है,
कि गणेश जी के रूप को देख करके चंद्रमा हंस गया था। गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया, मेरे पेट को देखकर, मेरे देह को देखकर बड़ी हंसी आती है तेरे को, जा शाप देता हूं, तेरा मुख कोई देखेगा तो उसे कलंक लग जाएगा, चंद्रमा को देखे कलंक लग जाएगा। चंद्रमा सीधे समुद्र में छिप गया। चंद्रमा के छिप जाने से जो औषधियां हैं वो औषधियां मुरझाने लग गई, क्योंकि चंद्रमा वनस्पति का राजा होता है। प्रार्थना करी, चंद्रमा बाहर क्यों नहीं निकलते? बोले प्रभु मेरा मुख देख करके कलंक लग जाएगा ब्रह्मा जी, इसलिए मैं किसी को कलंक नहीं लगाना चाहता। तो बोले भैया क्यों शाप लगा? बोले गणेश जी को देखकर हंस गया था। बोले फिर एक काम करो, उन्हीं गणेश जी को मना लो, जो गणेश नाराज हो सकते हैं वो प्रसन्न भी हो जाएंगे। चंद्रमा ने समुद्र के भीतर ही गणेश जी का आह्वान किया और आह्वान करके गणेश जी प्रसन्न हुए, वरदान दिया, देख मेरा शाप तो लौटेगा नहीं, लेकिन मैं इसको सीमित कर देता हूं। सीमित क्या सीमित करता हूं? जो भादों का चंद्रमा है, भादों की चौथ, उस चंद्रमा को देख करके कलंक लगेगा, बाकी दिन देख करके कलंक नहीं लगेगा। तो महाराज भादों की चौथ का चंद्रमा नहीं दर्शन करना चाहिए। जिसको कलंक लग जावे वो भगवान श्री कृष्ण की इस मणि वाले प्रसंग को सुन लेवे, उसका कलंक दूर हो जाता है। नारायण भगवान ने अपना कलंक दूर करने के लिए वहां से प्रस्थान किया। जंगल में अश्व को और प्रसेन को मरा देखा, सिंह के पदचिन्ह दिखे, उनको अनुसरण करते करते भगवान गए हैं। आगे सिंह भी मरा दिखा, रीछ के पदचिन्ह दिखाई दिए, भगवान आगे तक गए, वो गुफा के बाहर जाकर खत्म हो गए। अंधेरी गुफा में कौन की सामर्थ्य है जो अंदर जावे? भगवान श्री द्वारिकाधीश उस गुफा में प्रवेश करते हैं और गुफा में प्रवेश करके जब अंतरंग गुफा में गए, तब एक पालने के निकट एक कन्या को बैठा देखा जो मणि से खेल रही है। भगवान चतुर्भुज देखे इसने, इसके मुंह से चीख निकल गई, पिताजी पिताजी पिताजी। रीक्षरा जामान दौड़ करके भीतर से आए हैं और आव देखा ना ताव, और भगवान पर मुष्टिका का प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान ने भी महाराज इसके साथ युद्ध किया, जामान के साथ, और 27 दिन तक युद्ध किया, और 27 दिन युद्ध करने के बाद जामान में एक मुष्टिका का प्रहार द्वारिकाधीश ने किया, जो तीव्र किया। एक पल के लिए तो महाराज मूर्छ से होकर जामान गिर पड़े, हाय मर जाऊंगा मर जाऊंगा। जामान को होश आया, विचार किया जामान ने, बोले मुझे 27 दिन के बाद युद्ध करने के बाद भी ऐसी मुष्टिका मारे कि मैं नीचे गिर पड़ूं? बोले यह तो मेरे रघुनंदन राम के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता, ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं है। जामान ब्रह्मा का अंश है और इतने बलवान है कि रावण जैसे को एक ही मुष्टिका में मूर्छित करने की सामर्थ्य जामान में किया है। एक ही मुष्टिका में रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा है, वो तो भला हो जो रावण का सारथी रथ भगा करके ले गया, नहीं तो रावण के प्राण उसी समय निकल जाते। महाराज भगवान से कहा जामान ने, बोले यदि मेरे मन का भाव सत्य हो तो आप रघुनंदन राम तो नहीं है? भगवान ने कहा है तो रघुनंदन, लेकिन इस बार हम यदुनंदन के रूप में जन्म लेकर आए हैं, हम रघुवंशी के रूप में नहीं यदुवंशी के रूप में जन्म लेकर आए हैं। चरणों में प्रणाम करके जामान रो पड़ा, प्रभु आपने 27 दिन तक मुझसे युद्ध किया, आप तो एक ही क्षण में युद्ध को समाप्त कर सकते थे, 27 दिन तक क्यों किया? तो भगवान कहते हैं तुम्हारी मनोरथ पूरा करने के लिए किया। मेरा मनोरथ? बोले हाँ, जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया था तब तुम्हारे मन में यही भाव था कि अभी शरीर की खुजली मिटी नहीं है, मुझसे लड़ने वाला तो कोई है नहीं, राम जी के अलावा दूसरा कोई सामर्थ्यवान है नहीं, और शरीर की खुजली कैसे मिटे? तब हमने उस समय कहा था कि तुम्हारे शरीर की खुजली इस अवतार में नहीं लेकिन अगले अवतार में जरूर मिटाएंगे, तसल्ली से मिटाएंगे। तो 27 दिन तक पूरा युद्ध किया महाराज तुम्हारे साथ। बोले शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, आपकी मुष्टिका का प्रहार हुआ है। भगवान ने करकमल का स्पर्श किया, जामान की पीड़ा दूर हुई। जामान पूछते हैं प्रभु कैसे आपका आगमन हुआ? बोले मणि के लिए कलंक लग गया है, हम कलंक दूर करने के लिए आए हैं, ये मणि ले जाने के लिए। बोले हे प्रभु एक प्रार्थना और। बोले क्या?
मेरी कन्या भी बेटी भी सयानी हो गई है, मैं कहां कहां इसके लिए लड़के ढूंढने जाऊंगा, तो आप यदि कृपा कर दें तो कन्या दान करने का मुझे अवसर मिल जाए और मेरी बेटी मैं आपको ब्याह दूं, दहेज में मणि दे दूंगा। महाराज जाममान की कन्या जामवती का विवाह द्वारिकाधीश से हुआ और दहेज में मणि प्राप्त करी, और उसके बाद लौट करके आए सत्राजित को तो मणि दी और कहा महाराज लो। सत्राजित इतना लज्जित हुआ, सत्राजित ने कहा प्रभु आपने मुझे मणि दी है, मेरी बेटी भी सयानी हो गई है और आप जैसा कहां मिलेगा, मैं तो चाहता हूं मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो। सत्राजित ने कहा तो भगवान ने कहा चल तू भी कर ले। सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह किया, मणि लेकर के भगवान को देने लगे। द्वारिकाधीश ने कहा इस मणि से दूर रख, हम इस मणि को बिल्कुल नहीं रखेंगे, जिस मणि को न चुराने पर भी इतना कलंक लग गया, जिस मणि के कारण इतनी बड़ी हिंसा हो गई, तेरा भाई प्रसेन मारा गया, घोड़ा मारा गया, सिंह मारा गया और मुझे अपने भक्त के साथ युद्ध करना पड़ गया है, ऐसी मणि तो इससे दूर ही रहना अच्छा है, ऐसी संपत्ति किस काम की जो अपनों से लड़ाई करा दे। और महाराज भगवान ने मणि नहीं ली, सत्राजित की कन्या तो ब्याह ली और तीसरा विवाह हो गया। उसके पश्चात में महाराज ये मणि जो है, ये मणि तीन लोग शत्रु बन गए सत्राजित के, कौन? एक कृतवर्मा, एक शतधनवा और एक अक्रूर जी, ये तीनों शत्रु बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि पहले सत्राजित अपनी कन्या का विवाह की बात इन्हीं से चला रखा था, इन तीनों में से किसी से करेगा तो तीनों पर बायोडाटा पहुंचा हुआ था, और फिर जिससे ब्याहेगा तो मणि भी मिल जाएगी दहेज में। हे भगवान हमारे साथ ब्याह तो हुआ नहीं, ब्याह तो द्वारिकाधीश के साथ हो गया बेटी का और मणि भी नहीं मिली, तो आपस में एक मीटिंग करी कि सत्राजित से मणि लेकर के आनी है। शतधनवा को बानक बनाया, शतधनवा ने कहा मैं मणि लेकर आता हूं, और शतधनवा मणि लेने गया तो सत्राजित का वध कर दिया और सत्राजित का वध करके मणि ले आया। जो मणि लेकर के आया सत्यभामा को पता लगा, सत्यभामा रो रो करके विलाप करती है, हे नाथ हे द्वारिकाधीश आपके जैसे जमाई के रहते हुए आपके ससुर की ये दुर्गति हुई है। भगवान ने कहा अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र चले हैं पता लगाने के लिए। महाराज शतधनवा को पता लगा कि द्वारिकाधीश पता लगा रहे हैं कि इसका कातिल कौन है, कौन मारने वाला है। शतधनवा मणि लेकर के पहले कृतवर्मा के पास गया, कृतवर्मा से कहा महाराज मेरी रक्षा करो। कृतवर्मा बोले हम नहीं बचाएंगे, हम कुछ नहीं जानते। कृतधनवा भी घबरा गया महाराज। शतधनवा भाग करके अक्रूर के पास गया, अक्रूर से कहा महाराज बचाओ। बोले क्या बचा मैं? बोले आपने तो कहा था मणि लेकर के आने के लिए। अरे मैंने कहा था मणि लेकर आने को तो मणि मार करके लाने को थोड़ी कहा था तुझसे, थप्पड़ मार देता, जान से मारने की कौन ने कही थी तुझे? तो कहा महाराज अब क्या करूं? बोले मणि भले ही मेरे पास रख जा, लेकिन मेरे पास तू मत रुकना। महाराज मणि तो अक्रूर जी के पास रख दी और शतधनवा भागा। शतधनवा का पीछा करते करते द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और बलभद्र बलराम गए। एक 100 योजन ऊपर पहाड़ पे चढ़ा भगवान, सीधे रस से नीचे कूदे हैं और कूद करके शतधनवा को समाप्त किया है। और उसके बाद जब मणि खोजी तो मणि नहीं मिली। दाऊ दादा ने कहा कृष्ण, बोले दाऊ दादा मणि तो है ही नहीं। दाऊ दादा को संदेह हुआ कि कृष्ण ने मणि चुरा ली यहीं से और बता नहीं रहे। ये संपत्ति ऐसी चीज है कि भाई भाई को संदेह पैदा करा देती है, ऐसी संपत्ति किस काम की। अब बलराम कहते हैं कृष्ण अब हम बड़े निकट आ गए यहां से, हम तो जा रहे हैं अपने मित्र के पास। मित्र के पास? बोले हां जनकपुर, हम जनकपुर यहां से जा रहे हैं, जनक जी हमारे मित्र हैं। ये जनक भी एक पद है, जनक कोई नाम नहीं है, जनक पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं। अलग अलग समय अलग अलग जनक होते हैं। जनक का मतलब जनने वाला, जनक का मतलब रक्षण करने वाला, पिता को भी जनक बोलते हैं और राजा पिता ही होता है। बलभद्र बलराम जी चलते हैं, अरे भैया संबंध तो पुराना है, पूर्व अवतार में ये तो शेष रहे हैं, लक्ष्मण रहे हैं और लक्ष्मण तो जनकपुर से संबंध रहा, बलराम जी तो वहां से जनकपुर चले गए। और उसके बाद में महाराज भगवान श्री कृष्ण
लौट करके आते हैं, मणि प्राप्त नहीं होती है, अक्रूर को लगता है कि मेरे को पकड़ लेंगे तो मार डालेंगे मेरे लिए, तो अक्रूर मणि लेकर के काशी चला गया, काशी, और काशी में जाकर के मकान ले लिया, और मकान लेकर के वहां पर महाराज दान पुण्य करने लग गया। 8 बार सोना रोज पैदा हो, 8 बार सोना दान पुण्य करे, महाराज धीरे धीरे हल्ला मच गया, द्वारिका तक खबर आ गई, काशी में महाराज अक्रूर राजा हैं, ऐसे राजा जो 8 बार सोना रोज दान करते हैं। भगवान ने विचार किया, एक काका जी पर इतना कहां से आया कि 8 बार सोना रोज दान कर रहे हैं, लगता है मणि इनके पास ही है। भगवान ने महाराज संदेशवाहक भेजा, बोले काका को बुलवाओ हमारे पास। पहले संदेश पहुंचा अक्रूर के पास, अब अक्रूर चले वहां से महाराज, अक्रूर के प्राण से निकल रहे हैं, मणि को छिपा छुपू करके वहां से चले। द्वारिकाधीश की सभा में आए तो जगमग जगमग प्रकाश, कभी इधर से निकल रहा था, कहीं इधर से निकल रहा था। अब संपत्ति ऐसी चीज है कि वहां छोड़ भी नहीं सकते, और संपत्ति ऐसी चीज है कि उसको ज्यादा रख भी नहीं सकते। 8 बार सोना रोज पैदा हो तो कितनी दीवारों में लगवाओगे ये बताओ। इसलिए दान पुण्य करते दान से नाम होने लग गया। यश का मुख्य स्थान है दान करना, जो दान करता है उसका नाम होता है। अब ये मणि वहां ना रख के लेकर आए, भगवान ने कहा काका जी हाँ, बड़ा दान पुण्य आजकल कर रहे हो, बस महाराज आपकी कृपा है। बोले कृपा हमारी नहीं है, आपके करतूत की मेहरबानी है, हमें सारी बात पता लग गई। एक बात बताओ, आप हमारे काका लगते हो, जिस मणि को हमने प्राप्त नहीं किया, अपने ससुर जी को ही दे दिया कि रखो अपने पास, आप हमसे कह देते ये मणि आपको चाहिए, हम मणि दे देते आपके लिए। लेकिन मणि चुराने का मतलब क्या? महाराज चुराया तो शत धनवान है था, मेरे पास रख के चला गया था। अब मणि तो मणि सबसे पहले दी, मेरी गलती की क्षमा करें प्रभु। बोले मेरे काका लगते हो इसलिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपराध आपने बड़ा किया है। हमारे ससुर जी को भले ही आपने ना मारा हो, लेकिन मारने में आप सहभागी हुए महाराज। उसके बाद में मणि तो रख ली, काका को क्षमा किया, अपमानित हुए वहां पर अक्रूर जी। जीवन में अगर चोरी करोगे तो अपमानित होना पड़ेगा, मांग करके ले लो, चुरा करके मत लो। मांगा अच्छा, चोरी करना अच्छा। महाराज उसके पश्चात में भगवान के अगले विवाह और होते हैं। भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को लेकर के इंद्रप्रस्थ यमुना के तट पर निकल रहे थे। एक देवी यमुना में खड़े आराधना कर रही थी। अर्जुन जाकर के पूछो कौन है? इस देवी ने कहा मैं सूर्य की पुत्री हूं, नाम मेरा कालिंदी है, नारायण पति मिले इसलिए आराधना कर रही हूं। भगवान ने कहा अर्जुन कह दे मैं ही नारायण हूं, आ जाए। अगला भगवान का विवाह कालिंदी के साथ हुआ है, यमुना के साथ में। और उसके बाद मित्रविंदा बुआ राजादी देवी की कन्या है, इनके साथ हुआ है। अगला विवाह सत्या के साथ हुआ, इनका नाम नागनजीति भी है। और उसके पश्चात अगला विवाह भद्रा के साथ, और उसके बाद लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार मूल रूप से भगवान की 8 पटरानियां हुई हैं। उसके पश्चात में एक असुर रहता था, उसका नाम भौमासुर। इस भौमासुर की जेल में 16,100 कन्या बंद थी। इन सब कन्याओं ने पत्र लिख करके भेजा है कि द्वारिकाधीश सबकी रक्षा करते हो, क्या हमारी नहीं करोगे? भगवान सत्यभामा को लेकर के गरुण पर बैठ करके आए हैं, और महाराज मुर नाम के एक दैत्य के लिए समाप्त भगवान ने किया। मुर नामक दैत्य को समाप्त वहां पर करने पर भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोली मुरारी भगवान की जय। और उसके बाद भौमासुर वो युद्ध कर रहा है भगवान से, भगवान इसको मार नहीं रहे। सत्यभामा को लेकर के भगवान आए हैं, अपनी पत्नी सत्यभामा को। क्यों आए हैं? भगवान की एक पत्नी है भूदेवी, एक पत्नी है श्रीदेवी। जो सत्यभामा है यह है भूदेवी, और भूदेवी माने धरती, और भौमासुर ये भूमि का ही पुत्र है। तो भगवान कृष्ण का तो पुत्र ही हो गया, अगर सत्यभामा भूमि है और भूमि का पुत्र ये भौमासुर है,
तो सत्यभामा का पुत्र हुआ तो सत्यभामा के पति का भी तो पुत्र ही हुआ। इसलिए भगवान सत्यभामा को लेकर के आए कि अपनी मां को देख करके समझ जाए तो ठीक है, मारना ना पड़े। लेकिन इसने तो बड़ा भयंकर युद्ध किया है, बाणों पे बाण चलाए। जो बाणों पे बाण चलाए सत्यभामा के भी दो चार बाण लगे। जो लगे तो सत्यभामा कहती है, अरे अरे देख क्या रहे हो, मार डालो इस दुष्ट के लिए, मार दो। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, अब माता की परमिशन मिल गई है कि पुत्र को मारने के लिए। तब भगवान ने भी चक्र लेकर के इसकी गर्दन काट दी है, इसे समाप्त किया। और उसके बाद 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंदी गृह से मुक्त किया। जो बंदी गृह से मुक्त किया नारायण, परम पूज्य महेंद्र श्री जय कुमार जी महाराज, मंदिर श्री नहर के गणेश जी, ब्रह्मपुरी जयपुर से आप पधारे हैं, आपका खूब खूब अभिनंदन है, आपका स्वागत है। नारायण पुरी श्री कृष्णचंद्र भगवान की। 16,100 कन्याओं को भगवान मुक्त करते हैं और उसके पश्चात में इन्होंने प्रार्थना करी है, हम आपकी दासी बनकर के रह लेंगी लेकिन हमें ठुकराइए मत। भगवान ने इनको एक ही मुहूर्त में अलग अलग मंडप बना करके पाणिग्रहण संस्कार किया। अब हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि ये भगवान है, हमें भगवान की बराबरी नहीं करनी चाहिए। यह संदेश हमको पूर्व कथा में मिल चुका है। क्यों? हम भगवान जैसे कृत्य कर नहीं सकते। एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप लेकर के अलग अलग मंडप में पाणि ग्रहण करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। इसलिए भगवान की सत्ता भगवान तक रहने दो, हम इंसान हैं, इंसान की मर्यादा अपनी बनाए रहें। ये 16,108 पाणि ग्रहण संस्कार हुए। इनमें 16,100 कन्याओं में जो मुख्य 8 पटरानी हैं, ये पटरानियां हैं, इनमें 16,100 में एक का नाम रोहिणी भी है, रोहिणी नाम करके भी एक कन्या है। और महाराज उसके बाद में भगवान थोड़े मखौल करते हैं, कभी मजाक करते हैं। पत्नी के साथ छेड़छाड़ करना पति का कर्तव्य भी होता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटा पत्नी बिचारी चौका चूल्हा में रहे और पति आवे अपने काम धंधा करते हुए फिर सो जावे, ज्यादा बात करे तो गंभीर होकर कैसा चल रहा है। थोड़ा एक पति पत्नी की हंसी मजाक का, हास्य का भी, विनोद का भी, उससे प्रेम सरस होता है। बिल्कुल ऐसे कैसे, जैसे अंगीठी के ऊपर और कोई दाल बन रही हो, नीचे आग लगी हो, अग्नि लगी हो और पतीली में दाल गर्म कर रहे हो तो दाल चलाओगे कि नहीं? नहीं चलाओगे तो क्या होगा, जल जाएगी, लग जाएगी दाल भी। तो भगवान ने भी यही काम किया, गृहस्थ की शिक्षा दी है कि गृहस्थ में केवल नीचे अग्नि लगी हुई है, काम धंधे की केवल यही नहीं, बोले फिर थोड़ा बहुत मजाक की चमची भी चलाते रहो, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हास्य होता रहे पति पत्नी के बीच में। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुमने बड़ी जिद करी हमसे, पत्र लिख करके भेजा कि मेरे भाई ने शिशुपाल से विवाह पक्का कर दिया, मुझे यहां से आकर ले जाओ जैसे सिंह सियार के मुख से अपना भाग ले जाता है। अच्छा देखो एक विशेष बात, इस शिशुपाल है कौन? यह तो पूर्व जन्म का रावण ही है। रावण ने किया क्या था? रावण ने किया था हरण जानकी जी का, जो राम जी की पत्नी है, विवाहिता है, पाणिग्रहिता है। और रावण ने किया था हरण पाणिग्रहिता का, राम भार्या का, राम वल्लभा का। तो भगवान कृष्ण ने कहा थोड़ा खेल हम भी कर लेते हैं। बोले क्या? तुमने हमारी हो चुकी लुगाई का हरण किया, ठीक, और हम तो अपनी ही लुगाई का हरण करेंगे जिसको तुम अपनी मान करके बैठे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही भार्या का हरण वहां से किया और उनकी इच्छा से किया। तो ठेंगा दिखाया कि तुम तो रह गए महाराज, तुम तो रावण बन करके भी ना पा पाए, लेकिन हमने वो लीला करी है कि हमने अपनी ही भार्या को अपने पास पाया है। और महाराज उसके पश्चात में भगवान ने कहा, रुक्मिणी तो हम तुम्हारी अनुनय विनय को सुनकर के हम आ गए,
लेकिन हमारी तुम्हारी तो कोई तुलना ही नहीं है। कहां तुम कुंडनपुर के महाराज की कन्या, कहां हम ब्रजवासी ग्वाला, कहां तुम गोरी और यह तन काला। तुम्हारी हमारी कोई तुलना नहीं है। तुम्हारे पिता धरती पर रहते हैं और हम तो राजाओं से इतने डरे बैठे हुए हैं कि समुद्र के बीच में रहते हैं, खारे पानी के समुद्र के बीच में। तो इसलिए उस समय तुम्हारी व्यवस्था थी तो हमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, तुम आराम से जा सकती हो जहां चाहे। रुक्मणी ने जो सुना तो मूर्छित हो गई। भगवान तुरंत महाराज पीतांबर से हवा करे, पानी की छींटे डाले। क्यों? रुक्मणी मर गई तो ऐसी पत्नी द्वारा मिलेगी नहीं महाराज। रुक्मणी को होश आया। रुक्मणी ने श्री कृष्ण के एक एक प्रश्न के एक एक बात का उत्तर दिया। बोले हे प्रभु, दुनिया की दृष्टि में आप एक राजा मात्र हो, लेकिन आप तो केवल द्वारिका के राजा नहीं है। बोले फिर आप तो जगत के महाराजा हैं, आपसे बड़ा महाराजा कौन है? आप जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। दूसरी बात, आपने कही कि आप डर करके रहते हो खारे पानी के समुद्र में। अरे प्रभु, समुद्र में तो रहते हो लेकिन खारे पानी का समुद्र नहीं है। बोले फिर आप तो दूध के समुद्र में रहते हो, क्षीर सागर में रहने वाले नारायण भी तो आप ही हो। आपने कहा कि आप काले हैं तो विधाता ने बड़ी कृपा करी है। क्यों? आपको श्याम वर्ण का बनाया है, काला बनाया है, छोरा बनाया है, तब तो 16,108 लुगाई घर में बैठी हुई है। अगर आप छोरा हो जाते और छोरी हो जाते और गोरे हो जाते तो भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता महाराज। श्याम लला हे जी, श्याम लला, श्याम लला, तुम जो होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। सुकुमार देखी कुमारी लजे, छल सी के है चित्त चोरन के। यमुना तट गोपिन रोकत है, कर कौतुक भौह मरोनन के। अति चंचल नैनन हेरी हसी, बहु बात करो रस बोरन के। जो पे नंद लला तुम जो होते लगी तो गले कट जाते करोड़न के, तो गले कट जाते करोड़न के। सत्यभामा से भी भगवान ने एक बार मजाक कर लिया। सत्यभामा से क्या कहा? बोले हे देवी, आपका विवाह हमसे हो गया। हकीकत तो यह है कि हमने आपके पिता सत्राजित को मणि वापस कर दी तो आपके पिता हमारे ससुर जी लज्जित होकर के आपको हमसे ब्याह दिया। अगर मणि का चक्कर ना होता तो आपका विवाह तो हमारे काका क्रूर से हो जाता, चाचा से, और चाचा से हो जाता फिर तो आप हमारी चाची कहलाती। क्यों चाची? इस प्रकार का भगवान खूब मजाक करते हैं, खूब आनंद से गृहस्थ में रहते हैं। और उसके बाद भगवान की 8 पटरानियों का वंश का संक्षिप्त वर्णन यहां पर किया गया है। एक एक पटरानी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, एक एक पटरानी के गर्भ से। और रुक्मणी जी के तो महाराज एक कन्या भी उत्पन्न हुई है। तासाम या दश पुत्राणाम कृष्ण स्त्रीणाम पुरोदिता अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्राणाम गृणामिते। चारुदेष्णः सुदेष्णस्त्वं चारुदेहस्य वीर्यवान् सुचारुश्चारुवृत्तश्च भद्रचारुस्तथा परः। महाराज एक कन्या भी उत्पन्न होती है। अलग अलग देश के राजा हैं, इनका वर्णन पूरा यहां पर है। और उसके बाद में रुक्मणी के भाई रुक्मी, जिनकी दाढ़ी मूछ भगवान श्री कृष्ण ने जय जय श्री सीताराम कर दिया था, उसने पत्र लिख करके भेजा है रुक्मणी जी के पास। बोली बहन रुक्मणी, जिस मुहूर्त में आपका विवाह हुआ था मुहूर्त गड़बड़ था, जो हो गया हम चाहते हैं पुरानी बातों को भुला दिया जाए, शत्रुता भूल करके, क्योंकि अब बहनों ही हो गए तो बहनों ही से क्या शत्रुता करना। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने महाराज पुत्र का विवाह
देखो अच्छा मुहूर्त देख करके एक ही बात है कि अपनी बहन अपने पुत्र का विवाह आप हमारी कन्या के साथ में कर दें। देखो महाराज रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हुई। भाई बहन का मिलना सब बंद हो गया था, अब आप कभी हमारे यहां टीका करने आती हैं ना, हम कभी राखी बनवाने के लिए आते हैं। तो रुक्मणी के पत्र को पढ़ करके रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई है। शहनाइयां द्वारिका में बजवाना शुरू कर दिया। द्वारिकाधीश निकल करके आए, बोले अरे भाई एक बात बताओ। बोले क्या? घर में कोई बड़ा उत्सव हो रहा है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है कि घर में शहनाइयां बजना शुरू हो गया, क्या बात हो गई? रुक्मणी कहती है मेरे भैया का पत्र आया है। भगवान गए धत्तेरी की, इतनी छोटी सी बात पूरी द्वारिका को सर पर उठा लिया। रुक्मणी कहती है मेरे भैया का पत्र है, पीहर का अगर कुत्ता भी आ जावेगा ना तो छोरी गोद में लेकर के उछलेगी, मेरे बाबूजी का कुत्ता। पीहर का कुत्ता भी आएगा तो वो बड़ा प्यारा लगता है महाराज। भगवान को बात कही रुक्मणी ने, एक बार तो अस्वीकार कर दिया। रुक्मणी दुखी होकर कोप भवन में जाने लगी। भगवान ने कहा रुक्मणी जो देवी तू कहे वो करने को तैयार है, चल। लेकर के आए महाराज इनका विवाह कराने के लिए। जो आए हैं इनकी कन्या का नाम रोचना और महाराज बलराम जी के साथ रुक्मी ने चौसर खेली। तो बलराम जी पहले 100 मोहर का दाव लगाते हैं, हारते हैं, 1000 मोहर का दाव लगाते हैं, हारते हैं, और बाद में जाकर के महाराज 10,000 मोहर का दाव लगाया है उसको बलराम जी ने जीत लिया है। जो जीता है ये तो ताली बजावे मैं जीत गया। बलराम जी ने कहा हमने जीता है, ये तुमने नहीं जीता। महाराज ये माने नहीं, सूर्य नारायण ने भी गवाही दे दी कि इस खेल को तो बलभद्र बलराम जीते हैं, ये फिर भी ना माने। बलराम जी ने हल लेकर के महाराज इसको जय जय श्री सीताराम किया, इसका देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। बलराम भगवान की जय। महाराज कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दंतान पातयत् क्रुद्धो यो हसत् विमृतैर्विजयी। कलिंगराज के दांत तोड़ दिए वहां पर महाराज और भाई को मार दिया। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि बहुत बढ़िया हुआ, मन ही मन कहा अच्छा हुआ, लेकिन न भाई की प्रशंसा करी न दुख जताया। क्यों? बोले अगर एक बार भी प्रशंसा कर दूंगा तो रुक्मणी जन्म भर मेरे प्राण लेगी, मेरा भैया मारा, तुम बड़ी तारीफ कर रहे थे अपने भाई की। चुप, रुक्मणी भी चुप एकदम, कुछ ना बोले। महाराज उसके बाद में एक बाणासुर नाम करके भगवान शंकर का भक्त हुआ है, इसकी कन्या है, नाम है इसका उषा। उस कन्या की अपनी सहेली है, उसका नाम है चित्रलेखा। ये मंत्री की बेटी है, कुंभांड नाम करके मंत्री है उसकी बेटी है। महाराज उषा ने एक स्वप्न देखा है, स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जो पुत्र है अनिरुद्ध, उसका दर्शन किया। अनिरुद्ध का दर्शन किया, अपना पति मान करके बैठ गई इसको स्वप्न में देख करके। चित्रलेखा को कही मैंने तो स्वप्न में अपना पति देख लिया है, क्या नाम है? ले पति को नाम पति को गांव न जाने, न पति को नाम न गांव जाने, बस ये कहे भरता मेरे पति। चित्रलेखा ने चित्र काढ़े, देवताओं के चित्र काढ़े, गंधर्वों के चित्र काढ़े, फिर मनुष्य के राजाओं के चित्र काढ़े धरती पर, और जब यदुवंशियों के चित्र काढ़े तो थोड़ी शर्मा गई। क्यों? जब ब्याह हुआ तो ये सब भी चेहरे दिखाई दे रहे थे। फिर द्वारिकाधीश का चित्र देखा और लजा गई, मेरे दादा ससुर लगते हैं। प्रद्युम्न का चित्र देखा तो मेरे ससुर लगते हैं, और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र देखा तो कहा एश में भरता यही मेरे पति हैं। बोले तो द्वारिकाधीश के पौत्र हैं। बोले यही हैं। अरे मैं सहेली लेकर के आ जा तू मेरे पास सखी, इनको कैसे भी। चित्रलेखा माया करके गई है, द्वारिका से हरण करके अनिरुद्ध का लेकर के आ गई है। जो लेकर के आई है, प्रातःकाल अनिरुद्ध जागे, देखा उषा को हाथ जोड़कर बैठी उषा, सारी बात बता दी है। दोनों बैठ के बड़े प्रेम से रहते हैं, आनंद के साथ विहार करते हैं। बाणासुर को जब यह बात पता लगी है तो बाणासुर महाराज सेना लेकर के आया है। बाणासुर को भगवान शंकर ने 1,000 भुजाएं दे दी है, 1,000 भुजाएं। इतने शंकर जी प्रसन्न है बाणासुर से, और यह वरदान दिया था
बाणासुर के मांगने पर कि हे प्रभु जब विपत्ति में पड़ जाऊं तो मेरी रक्षा जरूर करना, वरदान भी दे दिया, 1000 भुजाएं दे दी। अब महाराज ये गया जैसे ही तो क्या देखे, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को बैठा हुआ देखा। देख करके एक बार तो ये भी मोहित हो गया है, क्या कहता है, बोले कामात्मज तम भुवनैक सुंदरम श्याम पिशंगा परम भुजे क्षणम बृहद भुजम कुंडल कुंतल पिशा पिता बलोके च पंडिता ननम।